अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इट्स माय फर्स्ट टाइम न्यू ब्लॉग, तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या करूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक तरह की मैं वीडियो भी बना रही हूँ। कभी मैंने टिकटॉक्स पे नहीं लगाई, कभी कुछ नहीं किया, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो सोच रही थी, बड़ा सोचा, फिर सोचा कि चलो मैं दिखाऊँ कि आप अपने कप्स कैसे नीट करने होते हैं। तो ये है मेरे पास कुछ कप्स, उनमें आप ये लेमन को पहले निचोड़ लें अच्छी तरह, और जो उसके पील्स होते हैं उसको रखते हैं, ये भी वेस्ट नहीं होते, इससे बड़े आपको पता है काम आते हैं, बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है ये। इसे आप अपनी ब्यूटी क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इधर लिया मैंने सॉल्ट, और ये कप्स की कंडीशन है। अब आप ये ना लगेगा कि भाई घर पर ध्यान नहीं देते, ये वो ये मासियों के काम है, देखिए ना। तो पिछले हफ्ते में एक दफ़ा मैं खुद कप्स को ऐसे वॉश कर लेती हूँ, और बहुत अच्छे वॉश होते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए लेमन, सॉल्ट, वॉशिंग लिक्विड और सिरका, ठीक है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप गर्म भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जो मर्जी उसको, ठंडा ना हो। आजकल आपको पता गर्मी है, पहले पानी गर्म सारा ये डाल दिया, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सिरका, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही डालेंगे। और साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर तो जी व्यूअर्स, ये देखें, कुछ देर बाद इनको मैंने धो के रखा, और फिर इनको मैंने अच्छी तरह वॉश किया है, बिल्कुल हो गया न्यू। आज होता है संडे, और संडे वाले दिन मासियाँ करती हैं छुट्टी, तो मैंने इनको ये जितने भी अंदर निशान लगे हुए हैं, ये कॉफ़ी बीटर उस तक लगे हुए हैं, ऐसे ही अलहमदुल्ला बड़े ज़बरदस्त नीट बिल्कुल न्यू लग रहे हैं। ये देखिए, ये सब आपके सामने हैं, सारे नीट एंड क्लीन कप्स हो गए हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आई एम न्यू यूट्यूबर, प्लीज़। अभी भी कोशिश है कि इनको आस्ता आस्ता और साफ किया जाए। अम्मा जी तो मना करी थी कल मासी आई, उससे करवाती हूँ, मैंने कहा कुछ ट्राई करते हैं आज हम अगेन। तो जी तरह कुछ चीज़ें और भी मैं संडे के संडे वॉश करती रहती हूँ। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।